हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मुझे भी आइडिया नहीं है कि व्लॉग होने वाला है या मैं कुछ बताने वाली, क्योंकि कई लोग कई सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं रियो को लेके, यानी कि मेरे डॉगी को लेके। तो या तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, या मे बी व्लॉग हो, मे बी, मैं श्योर नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी इनएक्टिव रहती हूँ यूट्यूब पे और कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करें। तो फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे, वीडियो इंटरेस्टिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियो तो सो रहा है, मैंने सोचा रियो को भी लेके आऊँगी, वो सो गया। उसका यही रहता है कि वो दिन में सो जाता है खाना खा के, सुबह उठता है 4 बजे के समथिंग, उठ जाता है वो, और उसको फ्रेश होने जाना रहता है और वो छत पर ही जाता है। बाहर नहीं ले जा पाते हम लोग, ले जाते हैं घुमाने, बट बाहर का उसको फ्रेश नहीं होने देते, क्योंकि हमारी कॉलोनी के लोग थोड़े से रूड हैं, थोड़े से बेकार से, लाइक वो बाहर फ्रेश होता भी नहीं है स्टिल, उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है। वो तो अभी तक कभी नहीं हुआ, फिर भी मतलब उसे बाहर घुमाएंगे तो लोग टोकते रहेंगे कि यहाँ पॉटी मत कराओ, यहाँ सुसू मत कराओ, ये मत कराओ, वो मत कराओ, जबकि वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ छत पे कर रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और ये जो मेरा निशान दिख रहा है, ये हम लोग खेल रहे थे, मैं और यूँ खेल खेल में उसके नाखून से हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे पड़ोसियों से डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक वो घूमते हुए अगर इसे देखेंगे तो चिढ़ जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों इतना चिढ़ते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो रेबीज़ है वो हर एक डॉगी को होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, हर किसी डॉगी को रेबीज़ नहीं होता। मैं कैसे समझाऊँ, उनकी अकल में कैसे जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। और उनको डॉगी के पॉटी करने से दिक्कत है, उन्हें हर चीज़ से दिक्कत है, जबकि उनको खुद की गलतियाँ नहीं दिखती। ऐसे पड़ोसी हैं क्या किसी के? मुझे ज़रा सच सच बताना प्लीज़, और मुझे कुछ मस्त सा टिप दो ऐसे लोगों को सही करने का। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे वीडियो मेरे पड़ोसियों तक नहीं जाएगा, कोई निकल भी नहीं रहा है तो कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है। बट है जब वो ऐसे है तो क्या कर सकते, बेवकूफ़ से। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, एक आधी कोई अच्छे हैं, बट मोस्टली सब धन्य हैं। सबको कुत्तों से बड़ी दिक्कत है, मेरी इतने लोगों से लड़ाई हो चुकी है रियो के पीछे, मैं बता ही नहीं सकती, जबकि वो बहुत सीधा है, वो किसी पे भौंकता नहीं है, किसी को काटता नहीं है, स्टिल सबको उससे बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अभी रियो क्या कर रहा है। सो ही रहा है वैसे, फिर भी देखते हैं। ये देखो गाइस, रियो सो ही रहा है, और ये हमेशा किचन में आके सोता है, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत प्यारू सा है। लोग इससे जलते हैं, मुझे वो लोग ही पसंद नहीं है जो इससे जलते हैं। इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लाइक सीरियसली, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी तो मुझे बताओ ना, मेरे डॉगी से क्या प्रॉब्लम है? सच बताऊँ तो मुझे कुत्तों से ज़्यादा इंसानों से प्रॉब्लम है, सच में। जब मैंने आंटी ने बोला ना कि कुत्तों से इन्फेक्शन हो जाता है, रेबीज हो जाता है, मैंने बोला इंसान उनसे ज़्यादा बुरे होते हैं, इंसानों से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उनसे तो सिर्फ इन्फेक्शन होता है, और वो भी हर किसी को नहीं होता, और वो भी सिर्फ रेबिड डॉग से ही होता है, और काइनो कैप्टोफेगा वो लो इम्यूनिटी वालों को होता है डॉग के बाइट से, सो इतना कोई वो है नहीं। सच बताऊँ तो जितना लोगों ने डॉग्स के लिए हेट फैला रखा है, वो उतना ही डिज़र्व नहीं करते, मतलब वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट क्रिएचर है ना। मेरे पास कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए शायद चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस को भी नहीं देखते। मैं क्या करूँ यार, इसे इन वाले वीडियोस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मैं बनाती नहीं हूँ कुछ अमेजिंग सा, मैं बनाऊँ अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो, सच बता रही हूँ। मुझे आलस आता है वीडियो एडिट करने में, टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली में। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक ही चीज़ पूछते हैं कि
रियो को शेक हैंड, स्टे, सेट, और क्या करता है, कम, और क्या करता है, हाई फाई, और ऐसे दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं अच्छे से याद नहीं आ रही। तो लोग पूछते हैं वो ये सब कुछ कैसे कर लेता है, तो कुछ चीज़ों की तो वीडियो अपलोडेड है, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना के बताऊंगी कि ये सब चीज़ मैंने उसको कैसे ट्रेन किया। ठीक है गाइस, तो ये अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो में मैं क्या करूँ। चलो मैं कुछ बता देती हूँ। मैंने रियो के कुछ टॉयज़ मंगाए थे जिनसे वो बिल्कुल भी नहीं खेलता, एकदम यूजलेस है यार। एक तो ये वाला, एक लंबा लंबा सा लाइक रस्सी जैसा मोटी सी, और उसमें से धागे धागे निकलता है, उससे भी नहीं खेलता। पता नहीं कैसे कैसा ही है वो, उसे तो सब काम की चीज़ों से खेलना रहता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए लाइक हैंडशेक, स्पीक, मतलब जिस भी चीज़ के मैंने उसे ट्रेनिंग दे रखी है, अगर उनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं बना कर दे सकती हूँ। उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोस देखते रहना। बाय।